हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 7.2, दैट इज सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल में यू हैव आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी इन दिस एक्सरसाइज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी? दैट इज गिवन इन थ्योरम 7.2 एंड थ्योरम 7.3। नाउ थ्योरम 7.2 यू हैव टू सॉल्व ऑल्सो। Now what is the theorem? The theorem is angle opposite to equal side of an isosceles triangle are equal. Now first of all though, you have to note that what is isosceles triangle, in which a triangle in which two sides are equal. So angle opposite to equal side of an isosceles triangle, जो isosceles triangle में two sides equal होती हैं उसके opposite वाले angle भी क्या होते हैं? Equal होते हैं। ये theorem 7.2 है। तो यू हैव टू लर्न दिस ऑल्सो, दिस विल एप्लीकेबल इन द क्वेश्चंस ऑल्सो। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस ऑल्सो, इट इज़ इन योर सिलेबस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ ट्राइंगल ए बी सी। तो दिस इज़ योर ट्राइंगल ए बी एंड सी, इन विच ए बी इक्वल्स टू ए सी, दैट इज गिवन टू अस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट वॉट इज गिवन टू अस। गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी, एंड वॉट वी हैव टू प्रूव? एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, कि एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड। ये इक्वल साइड है आपकी ए बी और ए सी, इसके अपोजिट ए बी का अपोजिट एंगल एंगल सी और ए सी का अपोजिट एंगल बी। तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी वी हैव टू प्रूव। नाउ यू हैव टू डू द कंस्ट्रक्शन इन दिस। यू हैव टू ड्रॉ अ डॉटेड लाइन इन दिस। एंड वॉट इज दिस डॉटेड लाइन? कि ए एंड हेयर गिव द नेम डी। ड्रॉ ए डी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ये क्या है? एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है ए डी, मतलब एंगल ए को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो दैट मीन्स दिस एंगल बी ए डी एंड दिस एंगल सी ए डी, एंगल बी ए डी एंड एंगल सी ए डी विल बी इक्वल। तो ये बाय कंस्ट्रक्शन, कि हमने जो ये डॉटेड लाइन बनाई है, दिस डॉटेड लाइन बाइसेक्ट दिस एंगल ए। तो दिस इज योर कंस्ट्रक्शन। Draw AD the bisector of angle A which meets BC on D. Now proof. Now we have two triangles in this. Triangle ABD and triangle ACD. AB equals to AC. It is given to us. Second thing, BAD this angle equals to CAD this angle by the construction. कि हमने ये जो AD line construct की है, तो इसका इससे ये एंगल ए बाइसेक्ट हो गया, मीन्स टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। एंड ए डी इक्वल्स टू ए डी, दिस इज़ द कॉमन थिंग। तो ये आपका कॉमन हो गया। तो ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी डी बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल। कौन सा कॉन्ग्रेंसी रूल हुआ? एस ए एस, साइड एंगल साइड। ये साइड, ये एंगल और ये वाली साइड, दिस साइड। तो साइड एंगल साइड, टू साइड्स एंड ये दीज टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल बिटवीन दैम। तो बाई एस ए एस रूल दीज टू ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रेंट। ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी बाय सी पी सी टी। हेयर यू विल राइट बाय सी पी सी टी। वॉट इज द मीनिंग ऑफ सी पी सी टी? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, दैट मीन्स ऑल द एंगल्स एंड ऑल द साइड्स ऑफ द triangles will be equal. Now this was your theorem number 7.2. Now theorem number 7.3 is converse of theorem 7.2. The sides opposite to the equal angle of a triangle are equal. अगर आपके पास में एक triangle है, उसमें equal angles given है, तो जो इस angle के ए बी सी, दिस इज द ट्राइंगल ए बी सी, इसमें ये एंगल बी और एंगल सी है। द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी गिवन है। एंड अपोजिट एंगल बी के अपोजिट कौन सी साइड है? ए सी। एंड एंगल सी के अपोजिट कौन सी साइड है? ए बी। तो मीन्स दीज साइड्स, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। इक्वल एंगल के अपोजिट वाली साइड इक्वल होती है। और थ्योरम 7.2 क्या कह रही थी? कि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। और ये कह रहा है इक्वल एंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो दिस थ्योरम यू हैव टू लर्न।
No need to prove this because it is deleted from the syllabus. Now, by SAS, by ASA or AAS, by ASA or AAS, you can solve this theorem also. Now, this will this theorem, the solution of this theorem will come in one question. I will tell you in which question it will come. Now, question number one. In an isosceles triangle ABC with AB equals to AC, the bisector of angle B and angle C intersect each other at O. Join A to O, show that OB equals to OC and AO bisects angle A. Now here the figure is not given. Figure you have to draw yourself. In an isosceles triangle ABC, एक triangle आपको बनाना है ABC. और वो isosceles triangle है means two sides equal होंगी तो AB equals to AC given है. The bisector of angle B and angle C intersect each other at O. ये angle B का bisector हो गया और ये angle C का bisector हो गया. Bisector का meaning क्या होता है? उस angle को two equal part में divide करना means this part and this part. ये two equal parts क्या हो गए? Equal हो गए. This part and this part, ये two equal parts क्या हो गए आपके? Equal हो गए. Now ये आपका O पे intersect कर रहे हैं दोनों. ये आपका O point हो गया. Join A to O, ये AO को आपने join कर दिया. Show that OB equals to OC, आपको show क्या करना है? This OB, this line and this OC, OB equals to OC show करना है in the first part. And in the second part, AO bisects angle A, ये जो AO है ये angle A को bisect कर रहा है means this part and this part, मतलब angle A को two equal parts में divide कर रहा है ये AO line. तो this we have to show, means we have to prove this. So this is the figure which I drawn. Now in this angle and this angle, give the name of this angle, angle 1, angle 2. So angle 1 equals to angle 2 kyunki OB iska bisector hai, and angle 3 equals to angle 4 kyunki OC iska bisector given hai. Theek hai? Now A to O jab aap join karoge to aapko kya prove karna hai कि दिस ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए मीन्स एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 प्रूव करना है. एक तो फर्स्ट पार्ट में ओ बी इक्वल्स टू ओ सी प्रूव करना है कि ये ओ बी और ये ओ सी इक्वल है. एंड सेकेंड पार्ट में ये प्रूव करना है कि दिस ए ओ बाइसेक्ट दिस एंगल ए मीन्स एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 वी हैव टू प्रूव. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द गिवन. वॉट इज गिवन टू अस? ए बी इक्वल्स टू ए सी, दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 क्योंकि ओ बी इसका बाइसेक्टर है, एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 क्योंकि ओ सी इसका बाइसेक्टर है, एंगल सी का. नाउ टू प्रूव ओ बी इक्वल्स टू ओ सी एंड एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6. नाउ कम टू द प्रूफ. नाउ वॉट इज योर प्रूफ? इन ट्राइंगल ए बी सी, अब इस ट्राइंगल में हमको क्या दे रखा है? दीज टू साइड्स विल बी इक्वल, ए बी इक्वल्स टू ए सी. तो ये कौन सा ट्राइंगल? आइसोसेलिस ट्राइंगल है. एंड वेन द साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, देन अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स विल बी इक्वल. दैट इज आइसोसेलिस ट्राइंगल प्रॉपर्टी विच वी हैव स्टडीड इन थ्योरम 7.2 कि इक्वल साइड के अपोजिट वाले एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल. तो ये आपका जो ए सी साइड है इसके अपोजिट एंगल ये वाला है बी, और जो आपका ए बी साइड है इसके अपोजिट एंगल है आपका सी. ठीक है, मीन्स एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी. एंड हियर यू विल राइट बाय आइसोसेलिस ट्राइंगल प्रॉपर्टी. ओके, इन द ब्रैकेट यू विल राइट आइसोसेलिस ट्राइंगल प्रॉपर्टी से एंगल, जब टू साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट वाले एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, इन द ब्रैकेट यू विल राइट आइसोसेलिस ट्राइंगल प्रॉपर्टी. ना अब क्या किया, दोनों साइड में हाफ हाफ का मल्टीप्लाई कर देना है, हाफ ऑफ एंगल बी एंड हाफ ऑफ एंगल सी. नाउ हाफ ऑफ एंगल बी को हम क्या लिख सकते हैं? या तो एंगल वन लिख सकते हैं या एंगल टू लिख सकते हैं, क्योंकि ये एंगल वन इस बी का हाफ है और ये एंगल टू भी इस बी का हाफ है. और हाफ ऑफ एंगल सी को हम क्या लिख सकते हैं? या तो एंगल थ्री या फिर एंगल फोर. तो अगर हम एंगल वन लेते हैं यहाँ पे, अगर हम हाफ ऑफ एंगल बी को एंगल वन लिखते हैं तो यहाँ पे हमको एंगल थ्री लिखना है. तो एंगल वन इक्वल्स टू एंगल थ्री या फिर एंगल टू इक्वल्स टू एंगल फोर. नाउ अब लुक इन दिस ट्राइंगल, एंगल टू इक्वल्स टू एंगल फोर अभी अभी हमने यहाँ पे प्रूव किया है. ठीक है, तो जब एंगल टू इक्वल्स टू एंगल फोर है तो इसकी अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी? इक्वल.
sides opposite to the equal angles are equal. This is our theorem number 7.3. So you have to learn both the theorems because it will work in this question also. Now agar ye angles equal hai, angle 2 equals to angle 4, angle 2 equals to angle 4, यार एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, अगर ये एंगल्स आपके इक्वल हैं तो इसकी अपोजिट साइड भी क्या होगी, इक्वल. तो एंगल 2 के अपोजिट साइड कौन सी है, ओ सी, एंड एंगल 4 की अपोजिट साइड कौन सी है, ओ बी. तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 मीन्स ओ बी इक्वल्स टू ओ सी. तो ये भी यू कैन राइट इन अ ट्राइंगल साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, और यू कैन राइट बाय आइसोसेलस ट्राइंगल प्रॉपर्टी. तो दिस इज़ आर फर्स्ट पार्ट, हैंड्स प्रूव्ड हो गया, ये आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ तक सॉल्व हो गया. नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट. अब सेकेंड पार्ट में इन दीज टू ट्राइंगल यू हैव टू सी, ये दोनों ट्राइंगल कौन कौन से हैं, ए बी ओ एंड ए सी ओ. अब इसमें इन दोनों ट्राइंगल्स को हमको कॉन्ग्रेंट करना है, ए बी ओ एंड ए सी ओ को. तो ए बी ओ और ए सी ओ में क्या है, एक तो ए बी इक्वल्स टू ए सी है, सेकेंड थिंग एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 है, एंड थर्ड थिंग क्या है आपकी, थर्ड थिंग आपका ये है बी ओ इक्वल्स टू सी ओ. ये जो हमने यहाँ पे अभी प्रूव किया था, ओ बी इक्वल्स टू ओ सी फर्स्ट पार्ट में, ठीक है. तो ये आपका हो गया ओ बी इक्वल्स टू ओ सी प्रूव्ड अबव, फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, एंड ए बी इक्वल, ये भी प्रूव्ड अबव है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 प्रूव्ड अबव, एंड ए बी इक्वल्स टू ए सी इट इज़ गिवन. तो ये एस ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल से आपके दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए. अगेन आई एम शोइंग यू इन दीज टू ट्राइंगल यू हैव टू सी, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ गिवन ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये हमको गिवन है. इसमें एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 हमने अभी प्रूव किया था ऊपर, एंड बी ओ इक्वल्स टू सी ओ ये भी हमने अभी ऊपर प्रूव किया था. मीन्स साइड एंगल एंड साइड, साइड एंगल एंड साइड मीन्स ऐसे ऐसे ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे आपके, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे. तो जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 बाय सी पी सी टी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल दैट वी हैव टू प्रूव ओनली. तो ये आपका सेकेंड पार्ट भी कम्प्लीट हो जाएगा. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये सॉल्यूशन ऑफ थ्योरम 7.3 है. इन ट्राइंगल ए बी सी, ए डी इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी. द फिगर इज गिवन टू यू, एक ट्राइंगल आपका ए बी सी है. इन दिस ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए डी इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. अच्छा, वी हैव टू प्रूव ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी हमको प्रूव करना है, ठीक है. ए डी इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, यहाँ पे गिवन है ए डी आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी का. अब BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीनिंग क्या होता है, अगर आपके पास ये लाइन है और यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, इसका मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर का मीनिंग होता है 90-90, ये 90-90 डिग्री का एंगल बनाता है. और बाइसेक्टर का मीनिंग होता है उस लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है. तो AD इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस BC, मींस 90-90 तो बना ही रहा है और BC को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. Means BD equals to CD, it is given to us. Then show that triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equals to AC. तो हमको शो करना है AB equals to AC. अगर जैसे ही हमने AB equals to AC शो कर दिया तो इसका मतलब वो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ABC, जिसमें टू साइड इक्वल होती है, दैट ट्राइंगल इज isosceles triangle. Now first of all you have to write given, what is given to you? एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी, ये आपको 90-90 गिवन है क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए डी. देन सेकेंड थिंग, बी डी इक्वल्स टू सी डी आपको गिवन है क्योंकि ए डी इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. इन द ब्रैकेट यू कैन राइट ए डी इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हियर यू कैन राइट ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी. तो जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मीन्स ऑब्वियसली यहाँ पे 90-90 बनाएगा और इस बी सी को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा यहाँ पे. तो बी डी इक्वल्स टू सी डी गिवन है. तो ये दोनों तो आपका गिवन हो गया यहाँ तक.
नाउ टू प्रूव ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये हमको प्रूव करना है. नाउ प्रूफ में इन दोनों ट्राइंगल्स को हमको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. वी हैव टू ट्राइंगल्स हियर, ए बी डी एंड ए सी डी, ये ए बी डी एंड ए सी डी, तो ये आपके टू ट्राइंगल्स हैं ए बी डी एंड ए सी डी. अब इसमें क्या क्या गिवन है हमको, एक तो बी डी इक्वल्स टू सी डी गिवन है, सेकेंड थिंग ये 90-90 गिवन है, एंड थर्ड थिंग ए डी इक्वल्स टू ए डी क्या हो जाएगा आपका, कॉमन हो जाएगा. तो ये कौन सा हो गया, साइड एंगल साइड. अगेन आई एम शोइंग यू साइड एंगल साइड. साइड एंगल साइड का मीनिंग क्या हो गया, एस ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल से ये दोनों ट्राइंगल आपके क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए. अब जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए मीन्स ए बी इक्वल्स टू ए सी बाय सी पी सी टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल. अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो उनकी सारी साइड्स एंड सारे एंगल्स इक्वल होंगे. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड ए सी एंड ए बी रेस्पेक्टिवली. ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है इन विच एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ, यहाँ पर ये आपके एल्टीट्यूड, ये रहा बी ई और ये रहा आपका एल्टीट्यूड सी एफ. एल्टीट्यूड का मीनिंग क्या होता है, 90 डिग्री फॉर्म करता है. परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या होता है, 90 डिग्री फॉर्म करता है. तो ये आपको 90-90 गिवन है, एंगल ई एंड एंगल एफ. एल्टीट्यूड बी एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड ए सी एंड ए बी, तो ए सी और ए बी आपकी क्या है, ये दोनों साइड्स इक्वल गिवन है. ये पूरी पूरी साइड्स आपकी इक्वल गिवन है, ए बी एंड ए सी. शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, आपको शो करना है दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल. विच एल्टीट्यूड्स, दिस बी ई इक्वल्स टू सी एफ, ये आपको प्रूव करना है बी ई इक्वल्स टू सी एफ. ठीक है, अब इसमें आपको ट्राइंगल्स चूज करने पड़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट गिवन ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन है, एंगल ई इक्वल्स टू एंगल एफ गिवन है, एंड टू प्रूव बी ई इक्वल्स टू सी एफ. यहाँ तक तो सब लोग कर लेंगे क्वेश्चन में से देख के. नाउ प्रूफ में आपको क्या करना है, ट्राइंगल्स चूज करने पड़ेंगे. अब आपको ऐसे ट्राइंगल्स लेने हैं जिसमें आपका ए बी आई और या ई या एफ में से कुछ एक चीज आए. तो ए बी और अगर हम ई लेते हैं तो ये ए बी ई ट्राइंगल हो गया, और सेकंड ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल तो आपका ए बी ई हो गया, एंड सेकंड ट्राइंगल अगर हम यहाँ से लेते हैं ए सी तो ये हमारा एफ ले लेंगे इसके साथ में ए सी एफ. ट्राइंगल्स अगर हमने रॉन्ग चूज़ कर लिए तो सॉल्यूशन भी पूरा रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, तो वो आपका जो कॉन्ग्रेंसी है वो सारा वेस्ट हो जाएगा, जो भी आपने कॉन्ग्रेंट प्रूव किया है. तो ऐसे ट्राइंगल लेने जिसमें ए बी आए और ई या एफ में से कोई एक चीज़ आए, तो अगर हम ये लेते हैं तो ये बनता है ए बी ई. एंड सेकेंड ट्राइंगल हम ए सी लेते हैं एक में, और इसमें फिर आपका एफ आ जाएगा. तो फर्स्ट ट्राइंगल हो गया ए बी, सेकेंड ट्राइंगल हो गया ए सी एफ, हियर इट इज़ एफ, ए सी एफ. ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल्स में आपको देखना है, इन दोनों ट्राइंगल्स में आपको देखना है क्या क्या चीज़ें इक्वल हैं. तो एक तो आपको 90-90 गिवन है, एंगल ई इक्वल्स टू एंगल एफ 90 डिग्री, ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन है, तो ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन हो गया. और थर्ड थिंग हम खुद फाइंड करनी है, तो थर्ड थिंग है दोनों में एंगल ए. जब आप ये ट्राइंगल देखते हो तो इसमें भी एंगल ए आ रहा है, और जब आप ये वाला ट्राइंगल देखते हो ए सी एफ वाला, तो इसमें भी आपका एंगल ए आ रहा है. मीन्स एंगल ए आपका क्या हो गया, दोनों में कॉमन हो गया. तो अब देखो यहाँ पे कौन सा कॉन्ग्रेंसी रूल होएगा, टू तो एंगल्स हो गए, एंगल एफ और एंगल ए, और ये हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं. तो ये एंगल एफ और एंगल ए, तो टू तो एंगल्स हो गए आपके और वन साइड हो गई, तो ए बी इक्वल्स टू ए सी. तो ये आपका ये ट्राइंगल हो गया एंगल ई, एंगल ए एंड दिस, तो ये ए ए ऐसे आपका कॉन्ग्रेंट प्रूव होगा. ये एंगल ई, ये एंगल ए और ये वाली साइड. ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे जब हम नेक्स्ट वाला ट्राइंगल लेते हैं, ए सी एफ वाला लेते हैं, तो एंगल एफ, एंगल ए और ये वाली साइड, मीन्स एंगल एंगल साइड. तो ए ए ऐसे आपके ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे. सो बी ई इक्वल्स टू सी एफ बाय सी पी सी टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल. नाउ क्वेश्चन नंबर 4.
is same as question number 3 but little bit changed. ABC is a triangle in which altitude BE and CF, two sides AC and AB are equal. अब यहाँ पे क्या गिवन है, उसका रिवर्स है, क्वेश्चन नंबर 3 का रिवर्स है क्वेश्चन नंबर 4. ABC is a triangle in which altitude BE and CF, two sides AC and AB are equal. Means अब यहाँ पे आपको altitudes equal गिवन है, BE equals to CF गिवन है, altitudes equal गिवन है, और आपको ये जो साइड्स, ये ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रेंट और साइड्स गिवन नहीं है इक्वल. और ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, ए बी इक्वल्स टू ए सी, मतलब साइड्स इक्वल गिवन थी, एल्टीट्यूड इक्वल फाइंड करने थे. तो शो दैट, और यहाँ पे साइड्स इक्वल फाइंड करनी है, ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी एफ. अब सेम वही पैटर्न गिवन, एंड टू प्रूव यू विल राइट, एंड प्रूफ में आपको क्या करना है, सेम ट्राइंगल लेने ए बी ई, ये आपका ए बी ई ट्राइंगल हो गया, और ए सी एफ, ये आपका ए सी एफ ट्राइंगल हो जाएगा. ए बी ई एंड ए सी एफ में अब क्या क्या चीज़ें हैं, सेम थिंग, एक तो ये एंगल ई इक्वल्स टू एंगल एफ 90 डिग्री, और सेकेंड थिंग बी ई इक्वल्स टू सी एफ, एल्टीट्यूड्स आपके इक्वल गिवन है, और थर्ड थिंग एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए. नाउ अब सी इन द फिगर, अगेन लुक इन द फिगर, ये आपका ट्राइंगल है ए बी ई, इसमें एक तो एंगल ई, एक एंगल ए, ठीक है, और एक आपका ये है बी ई, तो टू एंगल्स. अब इसके इंक्लूडेड साइड नहीं है, साइड ये वाली है बी ई, दिस साइड, तो टू एंगल्स और इंक्लूडेड साइड नहीं है, मीन्स क्या हो गया, ए ए एस वाला रूल हो गया, ठीक है. और सेम आपका ए सी एफ में यू कैन सी, ये आपका ए सी एफ है, ठीक है, एंगल एफ, एंगल ए, और साइड आपकी कौन सी है, सी एफ, ये वाला, तो ये टू एंगल्स हैं और ये वाली आपकी साइड है, तो ये कौन सा हो गया, ए ए एस रूल से दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए ट्राइंगल्स, तो ए बी इक्वल्स टू ए सी बाय सी पी सी टी. तो सेकेंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में कॉन्ग्रेंट प्रूव करना था, सेकेंड पार्ट में ए बी इक्वल्स टू ए सी, तो ब्रैकेट में लिखना है बाय सी पी सी टी, दैट इज ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल. अगर किसी ट्राइंगल की टू साइड इक्वल हो जाती हैं तो दैट इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल. नाउ यू हैव टू डू दीज क्वेश्चंस इन योर कॉपी एंड डू द थ्योरम्स ऑल्सो, लर्न द थ्योरम्स, बिकॉज द थ्योरम्स, विदाउट द थ्योरम्स यू कांट सॉल्व दिस सम्स, तो सो यू हैव टू लर्न द थ्योरम्स, तो डू दिस सम्स इन योर नोटबुक. थैंक यू.